सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीपीओ का हो या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से तीन शब्द जोड़े गए थे। तो कौन से तीन शब्द जोड़े गए थे, उनका आंसर है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। भारत को कहा गया है राज्यों का एक संघ। ठीक, आगे है भारत सरकार एवं एक या अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय की किस आधिकारिकता के अंतर्गत आती है। तो उसका आंसर होगा मूल अधिकारिता। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किसके द्वारा प्राय 5 वर्षों की समाप्ति पर वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो 5 वर्ष की समाप्ति के बाद वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। यह अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 32। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निराकरण कौन करता है। तो विवाद का निराकरण करता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 74(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रस्ताव किस समिति ने किया था। तो पंचायत प्रणाली का जो प्रस्ताव पारित किया था वो किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीकर कब सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो केवल मतों की बराबरी की ही स्थिति में स्पीकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जब दोनों साइड बराबर मत मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य को किसके अनुमोदन से यूपीएससी को सौंपा जा सकता है। तो वह है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है। तो आंसर होगा 14 दिन। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किनके चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति तथा राज्यसभा में विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। तो यह किया गया है मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलन करने का सुझाव दिया। स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट पॉइंट है भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। देश की जनता में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला संविधान दिवस केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। वो किया गया था 26 नवंबर 2015 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि अक्टूबर 2015 में किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 33% किया गया। तो आरक्षण की सीमा को 33% किया गया है मध्य प्रदेश में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 370। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि 99वां संविधान संशोधन विधेयक जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और निरस्त घोषित किया गया वो किससे संबंधित है। न्यायिक नियुक्ति आयोग से। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। 24। ठीक, धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है। केवल लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत की संसद में कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है,
नेक्स्ट है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, भाग 18 अनुच्छेद 351 से 360 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 में। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 149 में किसके कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्ति। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि किन राज्यों ने वर्ष 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को क्रियान्वित किया था, तो वो थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग स्थापित करने का प्रावधान है, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट बनता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था, तो वो था अटल बिहारी वाजपेयी। तो गाइस ये 30 पॉइंट्स थे इंडियन पॉलिटी के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।